आइए भगवान, जय श्री राम। साधु जी, अरे ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, श्री सीताराम भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। माइक लीजिए भैया, बोलिए क्या बात है। ओ कौन है, माइक ले। बालाजी महाराज की जय। कहाँ से आए? मैं दिल्ली रोहिणी से आया हूँ। ओ रोहिणी रहते हैं, बहुत अच्छा है। कौन है ये? ये मेरा बच्चा है। क्या नाम रखा है? खुशांश गांधी। खुशांश गांधी। अरे राम, तो क्या हो गया है? बचपन से ही अभी तक रोया नहीं है, बचपन से अभी तक रोया नहीं है। पढ़िए। जन्म जात रोया नहीं, गर्भस्थ दिक्कत है, सिर छोटा है, ब्रेन कमजोर है, जिसको लेकर परेशान है। कृपा होगी, पूरा आराम नहीं लगना, झटका भी बनते हैं बीच बीच में, अंगों का भी विकास नहीं हुआ है, इसे जन्म जात यह दिक्कत है, पर 20% लाभ धाम से हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। क्या पर्चा एकदम सही बराबर? मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, मेरा बच्चा बस चल जाए, उसके लिए तो हमारी कृपा बनी है, वो बनी रहे बस सदा। लेकिन जितने परसेंट कहा उतनी परसेंट लाभ। आप झाड़ा लगवाने के लिए धाम पर ले आएंगे, हम उपाय कर देंगे, जाओ आशीर्वाद। जय बालाजी। जय बालाजी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे यार तुम लोग बहुत बदमाश हो, बैठ जाओ। बोले सुनिहार। क्या करते हैं? माइक ले लो। काय में हो? फोटोग्राफर हैं सर। काय में? किसके साथ? प्राइवेट। प्राइवेट, हाँ जी। वीडियो बनाते हो? हाँ जी। चलो ठीक है, तो तुमने हमारा बना दो वीडियो। हाँ जी। जय हो। बोलिए क्या बात है? क्या क्या जानना था? अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? हमने तीन बातें लिखी, शायद गलत हो तो आप हमें टोकेंगे। माइक लो, आप तो पढ़े लिखे हो, कैमरामैन भी। पहले केवल दरबार को देखने आए थे, बाद में पर्चा बनते देख श्रद्धा जगी है। माइक ले लो, समझ गए? तुम्हारी नई नई श्रद्धा है। बाद में पर्चा बनते देख करके श्रद्धा जगी, फिर आपने मन ही मन राम नाम जप करके कहा कि अगर सच में सच्चा है, सांचा है और राम राम से होता है तो हमें बुला ली। बिल्कुल 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 सच बात है, बिल्कुल सच बात है गुरु जी। अब आगे पढ़िए। बालक का प्रश्न लेकर आए हैं, उससे व्यापार कार्य ही हो पाएगा, उसी में वो सफल होगा और आपकी बेचैनी शरीर पीड़ा दूर होगी, वह घर पर कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम। बराबर। अब चूंकि अब आप सरदार जी हो, नहीं तो हम कांड भी तुम्हारे बताते, केवल हमें मन भर की बातें नहीं पता चलती, कांड भी पता है। कहो तो एक आध छोड़े नहीं। माननीय गुरु जी, जी? जो मैंने दिल में सोचा था वही आपने बता दिया सर। बालाजी की दया, ये हमारी कोई बालक को एक बार लाना है, अभी वो दुविधा में है, द्वंद में है, कभी नौकरी करना है, अभी वर्तमान में नौकरी का सपना देख रहा है,
और लेकिन उसका जो फोकस है वो फोकस विचलित है। तो आप बालक को लेकर के एक बार धाम आओ, हम उसको एक कवच दे देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, जो लिखा है उसी से वो सफल हो पाएगा। जाओ, आशीर्वाद है।